फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में कि दोस्तों, आप कैसे सिर्फ 10,000 के निवेश पर 700 करोड़ तक कमा सकते हैं, 700 करोड़ के मालिक बन सकते हैं, और कैसे दोस्तों ये कंपाउंडिंग आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम एक स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम दोस्तों विप्रो है, जिसने अपने इन्वेस्टर को सिर्फ 10,000 के इन्वेस्टमेंट पे 700 करोड़ रुपए तक कमा के दिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इसके ऊपर हम पूरी बात करेंगे, तो वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। और चैनल से नए जुड़े हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना प्लीज़ मत भूलना। तो दोस्तों देखिए, ये काफ़ी बढ़िया स्टोरी है और जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए दोस्तों काफ़ी ज़रूरी स्टोरी है कि सिर्फ 10,000 के इन्वेस्टमेंट पे आप कैसे करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, या फिर छोटे से इन्वेस्टमेंट पे आप एक कंपाउंडिंग के ज़रिए कितना पैसा कमा सकते हैं। तो ये एक स्टोरी है दोस्तों विप्रो के बारे में। विप्रो कंपनी के दोस्तों एक शेयर्स थे एक जने के पास, जिसने सिर्फ 10,000 इन्वेस्ट किए थे और वो आज की कीमत के हिसाब से करीबन 700 से 800 करोड़ के आसपास के हैं। तो पूरी बात करेंगे यहाँ पे। तो क्या हुआ देखिए, तो जहाँ विप्रो की शुरुआत हुई थी वो था दोस्तों अमलमेर, ठीक है। अमलमेर में विप्रो की शुरुआत हुई थी एंड वहाँ पे एक दिन क्या हुआ था कि एक स्टॉक ब्रोकर थे, वो अमलमेर जाते हैं क्योंकि देखिए विप्रो की इनिशियली शुरुआत वहीं से हुई थी। तो वहाँ पे दोस्तों मोहम्मद अनवर नाम के एक व्यक्ति थे। अब उन्होंने क्या किया कि वो जो मोहम्मद अनवर थे उनके देखिए उनके फादर थे, उनकी डेथ हो गई थी, तो उन्होंने देखिए अपनी जो प्रॉपर्टी थी वो बेच दी। उनके चार बेटे थे, उसमें से मोहम्मद अनवर देखिए सबसे छोटे थे। उन्होंने क्या किया कि वो 27 साल के जो रेसिडेंट थे अमलमेर में, उन्होंने 20,000 रुपये उनके पास थे, ठीक है। उनके पास कितने पैसे थे? 20,000 रुपये। अब वो 20,000 रुपये वो सोच रहे थे कि हम कहाँ पर डालूँ, कहाँ पर इन्वेस्ट करूँ जहाँ से मेरा वो पैसा बढ़ जाए और उसको मैं आगे यूज़ कर सकूँ। तो वही होता है कि देखिए वहाँ पे एक दिन एक स्टॉक ब्रोकर जाते हैं अमलमेर एंड लक बाय चांस उनको मिलते हैं वो वहाँ पे, और वो स्टॉक ब्रोकर उनको समझाते हैं कि आप कैसे शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मोहम्मद अनवर क्या करते हैं कि वो 20,000 रुपये जो इनके पास थे, ठीक है, जो 20,000 रुपये थे उसको दोस्तों 10,000 रुपये वो इस स्टॉक ब्रोकर को दे देते हैं और उनसे विप्रो कंपनी के स्टॉक ले लेते हैं। तो ये ऐसा होता है। अब होता क्या है दोस्तों, कंपनी क्या करती है, कंपनी दोस्तों यहाँ पे स्टॉक्स को स्प्लिट करती है, डिविडेंड देती है। तो चलिए डिविडेंड उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले क्या हुआ, तो जब वो उन्होंने मांगा तो देखिए करीबन 100 शेयर उनके पास आए 10,000 की प्राइस पे, ठीक है। यानी 100 रुपये का था जिसकी फेस वैल्यू क्या थी, एक स्टॉक की फेस वैल्यू थी 100 रुपीज़, तो उनको 100 शेयर्स मिल गए विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 10,000 रुपीज़, ठीक है। ये हो गया। अब होता क्या आगे, अब ये देखते हैं। अब कंपनी ने क्या किया, 1981 में देखिए कंपनी बोनस डिक्लेयर करती है, ठीक है। अब जो उनके पास 100 शेयर थे, कंपनी ने बोनस डिक्लेयर किया 1:1 का, यानी आपके पास अगर 100 शेयर है तो आपको 100 शेयर और मिल जाएंगे, तो टोटल हो गए 200। अब 1985 में कंपनी फिर एक और बोनस देती है, वो भी फिर से 1:1 का। अब जिनके पास 100 शेयर थे फिर से उनको 100 मिल जाएंगे, पर इनके पास थे 200, अब उनके पास कितने शेयर्स हो गए, 400। अब कंपनी क्या करती है, जो फेस वैल्यू थी कितनी, 100 रुपये की, ठीक है, जो फेस वैल्यू थी 100 रुपये की उसको कम कर देती है 10 रुपये में। तो अगर आपके पास अभी 100 शेयर है, ठीक है, और जिसकी फेस वैल्यू कितनी अभी 100, अब उसको कंपनी कर देती है 10, सो इंटू मल्टीप्लाई करके आपके पास 1,000 शेयर हो गए। तो इनके पास थे 400 शेयर, तो वो हो गए अब 4,000 शेयर। फेस वैल्यू कंपनी ने स्प्लिट कर दी थी जिसके कारण यहाँ से अब इनके पास 4,000 शेयर्स हो गए। अब 1987 में कंपनी फिर एक बोनस डिक्लेयर करती है, अब जिसके पास 1 शेयर है उसको फिर से एक और शेयर मिल जाएगा, तो अब इनके पास हो गए 8,000 शेयर्स। अब कंपनी 1989 में कंपनी अनाउंस करती है फिर से 1:1 का बोनस, और अब एक जो 8,000 शेयर्स थे इनके वो कन्वर्ट हो जाते हैं 16,000 में। अब 1992 में कंपनी फिर बोनस डिक्लेयर करती है और जो 1 शेयर था उस पर फिर से उन्होंने 1 शेयर बोनस दिया, तो जो 16,000 शेयर उनके पास थे वो हो गए अब 32,000 टोटल। अब कंपनी 1995 में फिर एक बोनस डिक्लेयर करती है और फिर से 1:1 का, अब हो गए आपके पास 64,000 शेयर। फिर 1997 में कंपनी 2:1, यानी जिसके पास 2 शेयर है उसको 1 शेयर मिलेगा, तो अब इनको यहाँ पे
करीबन शेयर मिल जाते हैं 1,92,000। तो आप देखेंगे जहाँ 100 शेयर थे वहाँ से इनको 1997 तक 1,92,000 शेयर हो गए। अब कंपनी की फेस वैल्यू पहले थी 10 रुपये, पहले थी 100 रुपये, उससे हुई 10, अब कंपनी ने कर दी यहाँ से 2। ठीक है, आपके पास कितने शेयर थे अब 1,92,000। 1,92,000 को आपने अब 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितने हो गए 9,60,000। अब कंपनी इसके पास मतलब मोहम्मद अनवर के पास हो चुके हैं 9,60,000 शेयर्स इन 1999। अब कंपनी फिर दोस्तों एक बोनस डिक्लेयर करती है 2:1 का। अब इनके पास शेयर हो चुके हैं 28,80,000 टोटल शेयर्स। फिर 2005 में फिर कंपनी बोनस डिक्लेयर करती है, अब इनके पास हो चुके हैं 57,60,000 शेयर्स। और लास्ट शेयर देखिए इन्होंने डिविडेंड इन्होंने दोस्तों यहाँ पे जो बोनस दिया था वो था 2010 में, जो अब इनके पास हो चुके हैं करीबन 96,00,000 शेयर्स। कंपनी ने इसके बाद भी बोनस डिक्लेयर किया है, 2019 में भी किया था। तो आप समझेंगे कि जिस प्रकार इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को, जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए पैसा बना रखा था, लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रखा था, उनको मालामाल करके यहाँ पे देखिए कंपनी ने छोड़ा है। और अभी भी देखिए वो लगातार आपको जो बोनस होता है वो देती जा रही है। तो बिल्कुल देखिए जो कंपाउंडिंग की मतलब है ये आपको समझना होगा कि आप जस्ट कम इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा वैल्यू जब भी कमा पाएंगे, जब आपके पास पेशेंस होगा, जब आप यहाँ पे थोड़ा सा टाइम दे सकेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो स्टॉक मार्केट है वो आज या कल में कभी पैसे बना के नहीं देता, ये आपको समझना होगा। यहाँ पे भी पैसा बनता है जब लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म तक के लिए होल्ड कर सकते हैं उस स्टॉक को। और यही देखिए यहाँ पे स्टोरी थी कि इन्होंने सिर्फ 10,000 के इन्वेस्टमेंट पे करीबन 693 करोड़ इन्वेस्टेड उनको जो मिले। अब देखिए ये तो सिर्फ बात हुई इसकी कि उनकी बोनस शेयर्स की, कंपनी डिविडेंड्स भी देती है। कंपनी डिविडेंड कब देती है, जब कंपनी को प्रॉफिट होता है, तो कंपनी ने डिविडेंड भी काफ़ी बार दिया है। तो जो टोटल आपको कह सकता हूँ मैं आपको अराउंड 1,000 करोड़ के आसपास इन्होंने सिर्फ 10,000 के इन्वेस्टमेंट पे कमा लिए। तो ये देखिए दोस्तों पावर है कंपाउंडिंग की, जस्ट पेशेंस से होल्ड करिए शेयर्स को। इफ़ यू हैव ट्रस्ट इन दैट कंपनी यू विल नॉट गोइंग टू लूज द मनी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस।